नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यानी सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त हमास है। लेकिन इस बीच दो और फ्रंट खुल चुके हैं। लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर इसराइल की सेना ने युद्ध लड़ना शुरू कर दिया है और इस बीच इसराइल पर आरोप लगा कि गाजा के बाद उसने लेबनान बॉर्डर पर भी फॉस्फरस बॉम्ब से हमले शुरू कर दिए। क्या गाजा पट्टी पर केमिकल बम फायर किए जा रहे हैं? क्या गाजा पट्टी पर इजराइल ने फास्फोरस बम फोड़ दिया है? रिहायशी इलाकों के ऊपर ये चिंगारी और फिर सफेद धुआं धीरे धीरे इस इलाके पर चढ़ने लगा। तबाही बहुत ज्यादा हो रही है। गाजा में 1,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मलबे से लगातार लाशें निकाली जा रही हैं। युद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीर देखिए, क्योंकि अब युद्ध और तेज होगा। क्योंकि अब लेबनान बॉर्डर पर भी फास्फोरस बम से हमले की खबर आई है। 24 घंटों के दौरान इसराइल पर केमिकल वॉर शुरू करने का इल्जाम लगने लगा है। इसराइल ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। जब इसका धमाका होता है तो इसके कण दूर तक फैलते हैं। ये शरीर में पहुंचने या इसके संपर्क में आने वाले इंसान की जान भी जा सकती है। इसका धुआं इंसान का दम घोट लेता है। ये इंसान की खाल को बुरी तरह डैमेज कर देता है और हड्डियां तक गला सकता है। इसलिए गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब इसराइल पर इस तरह का आरोप लगा है। इससे पहले वर्ष 2008 और 2009 में भी इसराइल पर गाजा पट्टी पर सफेद फास्फोरस बरसाने का आरोप लगा था। गाजा में जितनी जान गई हैं, उनमें आधे तो बच्चे और महिलाएं हैं। इससे पहले कि वो अपने घर से बाहर निकलते, इसराइल के सैकड़ों किलो भारी बम गिरने लगे और फिर जमीन पर कुछ नहीं बचा। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप इसराइल की बमबारी में खत्म हो चुके हैं। ये किस्मत वाले थे कि बच गए। गाजा के ज्यादातर अस्पतालों में झांकेंगे तो ऐसे ही खून से लथपथ बच्चे नजर आएंगे। There's no easy answer. This is not a moment of, you know, carpet bombing. You know, you hear people say, let's bomb, burn Gaza to the ground. गाजा के इस एम्बुलेंस ड्राइवर को देखिए। इस शख्स ने अपनी एम्बुलेंस से बहुत से लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादातर की जान जा चुकी थी। लाशों को ढोते ढोते ये बुरी तरह थक चुका है। इसराइल की बमबारी में इस व्यक्ति ने अपने परिवार के 8 लोगों को खो दिया, सिर्फ खुद जिंदा बचा है। ومرتي حامل وانا الناجي لوحدي غزة की तकलीफ देखकर पूरा पश्चिम एशिया गुस्से से उबल रहा है। ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। गाजा से आ रही तस्वीरों को देखकर यहां लाखों लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये गुस्सा पूरे पश्चिम एशिया में फैल रहा है और अब वो अपनी सरकारों से गाजा में फंसे लोगों की मदद की मांग करने लगे हैं। أن الإجرام الصهيوني الذي يرتكب الآن من قبل إسرائيل في غزة يعكس همجية الكيان الصهيوني الذي يجري الآن
كما يسمونه بمثابة سياسة الأرض المحروقة. पश्चिम एशिया में गाजा इसराइल का फ्रंट पूरी तरह एक्टिव है। इस फ्रंट पर इसराइल की जीत पक्की है क्योंकि उसकी ताकत के आगे हमास टिक नहीं पाएगा। आखिर टैंक और तोपों के खिलाफ राइफल के साथ लड़ने वाला हमास कब तक बचेगा? इसी बात ने इसराइल को जीत का भरोसा दिला दिया है, लेकिन हमास खामोश नहीं बैठा है। الأردن سوريا لبنان مصر كل أبنائها وبناتها رسميا وشعبيا واجبكم أكبر لأنكم الأقرب إلى غازا میں تباہی کا سچ یہ بھی ہے کہ غازا میں بجلی کھانا پانی سب کی سپلائی پہلے ہی بند کر دی گئی ہے اسرائیل اب تک 2000 ٹن بم غازا پر گرا چکا ہے لیکن ابھی تک حماس کو توڑنے میں وہ ناکام رہا ہے इस बीच इसराइल को रोकने के लिए दो नए फ्रंट खुल गए हैं। पहला फ्रंट है लेबनान और दूसरा फ्रंट है सीरिया। दोनों मोर्चों पर गोला बारूद दोनों तरफ से बरस चुका है। सवाल है कि क्या इसराइल तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ पाएगा? वो ऐसा 50 वर्ष पहले कर चुका है, लेकिन अब वक्त दूसरा है। इस बीच हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी करके बता दिया है कि इसराइल ने उसको हल्के में लिया तो वो 2006 के बाद भी दूसरी बार हिजबुल्ला से हार जाएगा। हिजबुल्ला के इस वीडियो को देखिए जिसमें लेबनान बॉर्डर के करीब खड़ी इसराइल की बख्तरबंद गाड़ी को एंटी टैंक मिसाइल से टारगेट किया गया। धमाका ऐसा होता है कि बख्तरबंद गाड़ी में बैठा एक भी फौजी बचकर बाहर नहीं निकल पाता। Don't rule out the possibility there'll be an all-out war, although Hezbollah was counting on divisions in Israel, and I think they've seen what they were thinking about Israel in terms of divisions is no longer the case. So that may also temper their interest in all-out war. उत्तरी इजराइल की तरफ इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है, लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला और सीरिया की तरफ से भी अगर चढ़ाई होती है तो इजराइल पर दबाव बढ़ने लगेगा। यहाँ रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्ला के 5 लड़ाकों की मौत के बाद लेबनान में भी गुस्सा बहुत ज्यादा है। जबकि सीरिया की तरफ से हमला हुआ तो इसराइल के लिए गोलान की पहाड़ियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फॉस्फोरस बम से हमले की बात आ रही है क्योंकि लेबनान के आसमान में जो चिंगारी देखी गई उसके बाद नीचे पहाड़ियों में आग लगी हुई भी नजर आई, यानी केमिकल जमीन पर गिरा तो हर तरफ आग लग गई। ऐसा ही हश्र गाजा के बाद लेबनान बॉर्डर का बताया जा रहा है। نحن امام الحقيقه وهنا اقول بكل وضوح وبلا لجلجه ولا تردد هذه لحظه ان تنخرط الامه في المعركه ان نقاتل معهم। गाजा से तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। इसराइल पर हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें आम लोगों की जान जा रही है। मलबों से बच्चों को निकालने के बाद उनको एम्बुलेंस के जरिए जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता है। और जो नहीं निकल पाते उनका जनाजा निकलता है। उनमें भी बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके आखिरी सफर में भीड़ शामिल होती है। गाजा में बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जहां पूरे के पूरे परिवार खत्म हो चुके हैं, उन पर रोने वाला भी कोई नहीं बचा। लेकिन ये बात तय है कि हमास की लीडरशिप अब भी कायम है। इसराइल की बमबारी उनको खरोंच तक नहीं पहुंचा पाई है।